हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलेस कुक बुक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्ती रेसिपी, और वो है बॉम्बे कराची हलवा। इसे कराची हलवा भी कहते हैं, बॉम्बे कराची हलवा भी कहते हैं। और इसकी जो स्पेशलिटी होती है वो ये होती है कि ये बहुत च्यू होता है। तो फ्रेंड्स, परफेक्ट बॉम्बे कराची हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए होगा परफेक्ट मेजरमेंट। अगर ये मेजरमेंट आप फॉलो करोगे जो मैं बता रही हूँ, तो आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, शुगर लिया है 2 कप, वाटरमेलन सीड्स लिए हैं जो मैंने ऑलरेडी रोस्ट कर लिया है, और ये एक लेमन है जिसे मैं स्क्वीज करके जूस निकाल लिया है इसका, 1/2 कप घी लिया है मैंने, और ये फूड कलर है। यहाँ पे मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर लिया है, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप ऑफ वाटर, और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी सो दैट इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स ना हो। यहाँ पे ले ली मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई, और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 कप ऑफ शुगर। इसमें मैं ऐड करूँगी वाटर जो मैंने लिया है 2.5 कप, और इसे हमें कोई सिरप, चाशनी वाला सिरप नहीं बनाना है, बस हमें शुगर डिसॉल्व होने तक ही इसे हीट करना है। अब ये अच्छी तरीके से शुगर डिसॉल्व हो गया है, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर जो मैं ऑलरेडी डिसॉल्व करके रखा था। यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, और इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है सो दैट इसमें लम्ब्स क्रिएट ना हो। एंड इसी तरीके से हमें चलाते रहना है इसे। और ये देखिए आप, बिल्कुल थिक सा ये हो गया है कॉर्नफ्लावर जो था हमारा, बिल्कुल थिक सा बन गया है। अब इस पॉइंट पे मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा घी। तो घी हमें जो हमने 1/2 कप इसमें ऐड करनी है, वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक बार में सारा ऐड नहीं करना है, और इसे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है सो दैट इसमें कोई लम्ब्स क्रिएट ना हो। और धीरे धीरे करके हम घी इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके सारे थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें हमारा पूरा 1/2 कप जो हमने घी लिया था वो सारा का सारा इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट धीरे धीरे करके हमें मिक्स करते रहना है, इसे चलाते रहना है, और फ्लेम हमें स्लो पे रखना है बिल्कुल। ये हलवा बनाने में बहुत ही आसान है, मगर इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है तो थोड़ा आपके हाथ में तकलीफ हो सकती है, बट डोंट वरी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही लाजवाब आता है। तो अब इस स्टेज पे आप देख सकते हो कि मुझे चलाते हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। मैंने ये फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप देख लो इसे इस तरह का थिक हो जाएगा बिल्कुल। और हम पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ लेमन जूस जो हमने स्क्वीज करके रखा था। लेमन जूस ऐड कर रही हूँ बिकॉज ये शुगर को क्रिस्टलाइज होने नहीं देता। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर, और इसे मिक्स कर दूँगी अच्छे से। ये देखो, इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है, इसे मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से। 1-2 मिनट तक स्टर करते हुए कलर बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी वाटरमेलन सीड्स जो हमने रोस्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ था, इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो इस पॉइंट पे। और एक बर्तन मैंने रख लिया है ग्रीस करके ऑलरेडी, इसे मैंने ऑयल से ग्रीस किया है, घी से ग्रीस नहीं करना है बिकॉज वो बाद में जम जाती है। यहाँ पे मैंने इसे इसमें पोर कर दिया, और इसे अब सेट कर दूँगी अच्छे से। सेट करने के बाद मैं इसे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी सो दैट ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। इसके बाद मैं इसे कटिंग करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा कराची हलवा। बहुत ही लजीज, बहुत ही डिलीशियस बनता है ये। इसे ज़रूर ट्राई करें, और बिल्कुल इसी मेजरमेंट से ट्राई करें जो हमने बताया है आपको। तो फ्रेंड्स, इस हलवे को ज़रूर बनाएं, खाएं, खिलाएं, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। एंड अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें विद बेल आइकन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।